अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो में हम इस्लामी महीनों के नाम और उनका मतलब और उन महीनों में जो ख़ास वाक़यात पेश आए वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो पहला महीना है इस्लामी मुहर्रमुल हराम, इसका मतलब है मुकद्दस महीना। और इस महीने में वाक़या करबला, शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आशूरा पेश आए। दूसरा इस्लामी महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, इसका मतलब कालदम, खाली महीना। और इस महीने में 27 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत हुई। तीसरा इस्लामी महीना रबीउल अव्वल, इसका मतलब है पहली बहार, नौ बहार। वाक़यात इसमें सबसे ख़ास वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ये महीना है, तो इसलिए इसमें ईद मिलादुन नबी भी मनाई जाती है। चौथा इस्लामी महीना रबीउल सानी, इसका मतलब है दूसरी बहार। सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात इस महीने में हुई। पांचवा इस्लामी महीना जमादियुल अव्वल, इसका मतलब गर्म और खुश्क ज़मीन का पहला। इस महीने में वाक़यात हज़रत ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह अन्हो का यौम पैदाइश इस महीने में है। छठा इस्लामी महीना जमादियुल सानी, मतलब गर्म और खुश्क ज़मीन का दूसरा। वाक़यात इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मदीना में वफ़ात हुई। सातवां इस्लामी महीना रजबुल मरजब, इसका मतलब एहतराम, गैरत। और इसमें हज़रत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है। आठवां इस्लामी महीना शबानुल मुअज़्ज़म, इसका मायनी मुंतशिर, बिखरे हुए। और वाक़यात इसमें हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम पैदाइश शबानुल मुअज़्ज़म में है। नौवां इस्लामी महीना रमज़ानुल मुबारक, इसका मतलब जलाना, मटाना, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मटाना। वाक़यात इसमें जो ख़ास पेश आए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिनते खुवैल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अज़वाज मुतहरा की वफ़ात हुई। दसवां इस्लामी महीना शवाल, इसका मतलब बनाना, उठाना, तामीर करना। वाक़यात ईदुल फितर, इसमें ईदुल फितर जो है वो मनाई जाती है, ख़ास दिन है। और आगे ग्यारहवां इस्लामी महीना ज़ुलकद, इसका मतलब है सुलह, जंग बंदी। और इस महीने में मुसलमानों और कफ़ार के दरमियान सुलह हुदैबिया का माहिदा तय पाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर का काम किया। आगे बारहवां और आखिरी इस्लामी महीना ज़ुलहज, इसका मतलब है हज का महीना, मुकद्दस मुकाम का सफ़र। और इसमें वाक़यात हैं कुर्बानी का दिन, ईद उल अज़हा, हज की अदायगी।